फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञास किचन। आज हम कोकोनट चिक्की बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने इस तरीके की है एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई ली है। आप चाहें तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे की नॉन स्टिक। गैस ऑन करते हैं। इसको अपने को 2 मिनट प्री हीट करना है और इसको अपन घी से या रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर देते हैं ताकि इसके चक्कर जो मेल्ट होगी वो चटेगी नहीं इसके चारों तरफ और ईजिली अपन इसको निकाल सकेंगे। ये प्रीहीट होती है तब तक अपन जहाँ पर चिक्की सेट करनी है उस जगह को ग्रीस कर लेते हैं। मैंने प्लेटफॉर्म को साफ करके इसी को ग्रीस कर दिया और ये बेलन जिससे अपन चिक्की को बेलेंगे उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लिया। थोड़ी गर्म हो चुकी कढ़ाई, अब अपन को मैंने यहाँ पर चीनी एक बाउल भर के लिया है। इसको फैलाकर कढ़ाई में रखते हैं, अच्छे से फैलाकर इसको थोड़ा मेल्ट होने देवे नीचे तक, इसको इस तरीके से फैलाते रहे। मैंने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया आप घर पर रहिए तैयार करके वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये चीनी से थोड़ा कम लिया है और थोड़ा सा इसको मैंने इसके जो अगर नमी है इसके अंदर वो मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के रोस्ट किया है हल्का सा गर्म ताकि इसकी नमी निकल जाए। अभी से 2 सेकेंड मतलब 2 मिनट लगभग इसको गर्म होने देते हैं। इसको 2 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं इसकी किनारे से थोड़ा थोड़ा ये मेल्ट हो गया। अब अपन इसको स्पैचुला से या चम्मच से हिला देते हैं। मैंने गैस सिम पर ही रखा था, लो फ्लेम थी। अब अपन इसको कंटिन्यूसली इसी तरीके से हिलाते हुए जब तक ये शक्कर बिल्कुल मेल्ट नहीं होती है तब तक अपने को हिलाना है। इसको हिलाते हुए 3 मिनट लगभग हुए हैं, मैंने गैस सिम पर ही रखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है चीनी। आप अगर एल्युमिनियम की लेंगे तो कढ़ाई में अच्छे से होता है क्योंकि ये हीट जल गर्म ज़्यादा होता है तो इसमें अच्छे से मेल्ट होती है। और हिलाते प्रॉपर रेगुलर हिलाते रहेंगे तो चीनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये अपनी लगभग होने वाली, इसको बनने में बहुत कम समय लगता है। आपने कोकोनट की बर्फी तो बहुत बार खाई होगी, आप चिक्की खाते हैं। चिक्की बना के आप जरूर देखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखिए। ये अपनी तैयार हो चुकी है, अब अपन इसमें कोकोनट ट्रांसफर करते हैं। ये खाने में चिक्की बहुत टेस्टी होती है। मैंने गैस बंद कर दिया है। कोकोनट को फ्लेम ऑफ करके ही डालें। अब अपन इसको प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करते हैं। ये मैंने प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको 2 सेकंड के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये इस तरीके से ऊपर चढ़ जाए तो आप चाकू से इसको इस तरीके से उतार लें, एकदम साफ हो जाएगा ये। तो बेलना है, बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है अपने को। जैसा आपको शेप देना है उस तरीके से आप, आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर शेप में करें। काम लेकिन आपको जल्दी करना होगा वरना ये हार्ड हो जाती है जल्दी से। आपको जितना ठीक रखना है उस हिसाब से प्रेस करें। 2 मिनट में ये हार्ड हो जाएगी तो आप फिर इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। बेलन को अच्छे से आप ग्रीस करके ही करें। ये अगर छेद हो गया तो इसको पास में वापस, बहुत गर्म आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बेलने आ रहा है। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, आप चाहें तो इस पे केसर की स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ये कोकोनट की अपने आप में इसका फ्लेवर होता है कोकोनट का, तो अपने को कुछ भी जरूरत नहीं है।
देख सकते हैं थोड़ा मैं जोर लगा रही हूँ क्योंकि ये ठंडा। अब अपने को इसकी कटिंग करनी है, हाथों हाथ कटिंग करनी है, इसको रखना नहीं है अपने को। आप चाकू से या पिज्जा कटर से कर सकते हैं। एक से इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि नीचे ग्रीस करी हुई है तो ये स्लिप हो सकती है। छोटी है बड़ी जैसी भी आपको जिस साइज की चाहिए उसके, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इसको आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट जार्डन कंटेनर में डालकर। बस इसको ये कटिंग होने के बाद 2-3 मिनट रखते हैं, फिर ठंडे हो जाएगा ये। जब भी ठंडा हो जाता है फिर इसको जैसे काटा है उसी तरीके से ये कट हो जाएगा। ये अभी तैयार हो चुकी है, इसको 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं कि सेट हो चुकी है। इसको ज़्यादा समय नहीं लगता, आप देख सकते हो। इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ, आप देख सकते हो जहाँ मैंने कट लगाया उसी तरीके से अपने को सावधानी से कट करना है। देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से कट होगी। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से करें। आप बच्चों के हिसाब से और भी छोटी ट्रॉफी की तरह कर सकते हैं। इसी तरीके पर हम सारी कट कर लेते हैं। मैंने ये सारी चिक्की पूरी कट करके तैयार कर ली। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी पतली और उतनी एकदम सॉफ्ट बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।